हेलो फ्रेंड दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल जैन और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक्सेल की एक अमेजिंग ट्रिक। तो ट्रिक देख लेते हैं आखिर है क्या। यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा दिया गया हुआ है, जैसे सीरियल नंबर, एम्प्लॉय कोड, उसका नेम और मोबाइल नंबर। अब मुझे इसमें करना क्या है, ये जो मैंने डेटा लिखा हुआ है, जैसे कोड यहाँ पे लिखे हुए हैं 101, 102, 103 एम्प्लॉय कोड, तो मैं ये चाहता हूँ अगर मैं कोई भी कोड यहाँ पर टाइप करूँ तो वो डुप्लीकेट ना हो, और अगर वो डुप्लीकेट हो तो वो मुझे पता चल जाए कि ये कोड हमारा डुप्लीकेट है। क्योंकि अभी तो फिलहाल यहाँ पे तीन कोड लिखे हुए हैं। मान लीजिए मेरे पास बड़ी लिस्ट हो जाती है, मैं 100, 200, 1000 तक पहुँच जाता हूँ, 1000 कोड्स तक पहुँच जाता हूँ, तब मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा कोड मैं डुप्लीकेट टाइप कर रहा हूँ। इसलिए मुझे यहाँ पर एक कंडीशन लगानी है कि मुझे पता चल जाए कि यहाँ पर ये डुप्लीकेट कोड है। तो ये कैसे करेंगे, सिंपल है बिल्कुल। यहाँ पर आपको सबसे पहले बी कॉलम को सिलेक्ट करना है, होम टैब पे जाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, हाईलाइट सेल्स रूल्स पे जाना है और यहाँ डुप्लीकेट वैल्यूज़ पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप ओके प्रेस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू डुप्लीकेट है। अभी तो कोई नहीं है तो मैं यहाँ पे कुछ डेटा टाइप करता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे 104 टाइप किया और यहाँ पे लिख दिया मैंने शिवम, तो ये तो डुप्लीकेट नहीं है, ये यूनिक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 101 टाइप करता हूँ, तो आप देख सकते हैं 101 ऊपर भी लिखा हुआ है। तो होगा क्या, ये 101 और 101 देखिए हाईलाइट हो गए और मुझे पता चल गया ये कोड मेरा डुप्लीकेट है। तो ये फर्स्ट तरीका था आपका डुप्लीकेसी को रोकने का। सेकंड तरीके में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि मान लीजिए आपने डुप्लीकेट कोड डाल दिया तो आपके पास एक एरर मैसेज आ जाएगा कि ये डुप्लीकेट कोड है और आपको कोड फिर से री एंटर करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो बी कॉलम है इसको सिलेक्ट कर लेंगे, डेटा टैब में जाएंगे, यहाँ पर डेटा वैलिडेशन का आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे आपको जाना है कस्टम पे, यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला बहुत ईजी है। सबसे पहले लिखना है आपको इक्वल का साइन, उसके बाद लिखना है काउंट इफ, ब्रैकेट ऑन करना है, बी कॉलम सेलेक्ट किया इसलिए बी कॉलन बी कर देना है, कॉमा प्रेस करना है, उसके बाद यहाँ पे लिखना है बी वन। बी वन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये एक्टिव सेट बी वन है हमारी, तो यहाँ पे बी वन लिख देना है, ब्रैकेट ऑन करना है और ये इक्वल होना चाहिए हमारे वन के। इक्वल वन क्यों लिखा है, क्योंकि एक ही बार कोड आए उससे ज़्यादा बार ना आए। इनपुट मैसेज में हम लोग यहाँ पर मैसेज दे देंगे, प्लीज़ एंटर द कोड, एम्प्लॉय कोड। उसके बाद यहाँ पे एरर मैसेज दे देंगे, तो एरर मैसेज में हम क्या देंगे, यहाँ पे भी मैसेज, प्लीज री री एंटर द वैलिड एम्प्लॉय कोड। ये हमने मैसेज दे दिया है, उसके बाद ओके प्रेस करेंगे। अब हमारे पास ये मैसेज आ रहा है हर सेल पे, तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक कोड टाइप करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने टाइप किया 105, इसने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ पे दे दिया जैसे मैंने मान लीजिए शिप्रा। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे फिर से 102 मैंने जैसे मान लीजिए टाइप किया, तो यहाँ पे आपके पास एक एरर मैसेज आ जाएगा, प्लीज़ री एंटर द वैलिड एम्प्लॉय कोड। तो इस तरीके से आप डुप्लीकेसी आप रोक सकते हो। तो इसको सही कर लेते हैं पहले। तो ये था आज का हमारा टॉपिक डुप्लीकेसी को रोकने का। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ दोस्तों, हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए एक्सेल विद मुकुल को। तो तब तक बाय बाय दोस्तों, गुड बाय।